नगर थाना अंतर्गत हुई एक युवती के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वरीय पुलिस अधिकारी का पुतला दहन करते हुए आरोपी को यथाशीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। अभी जो इसके पिछले दिन जो बलात्कार किया है हिंदू लड़की का सामान, उसी का हम लोग आज पुतला जलाए हैं और इस पर भी जिला प्रशासन उसकी गिरफ्तारी अगर नहीं करती है तो हम लोग जिला प्रशासन के खिलाफ भी आंदोलन छेड़ेंगे। आने वाले 2-3 दिन के अंदर जिला प्रशासन के खिलाफ भी हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे और हाल में प्रशासन को उसे गिरफ्तार करना होगा और फांसी दिलवाना होगा, यही हमारी मांग है। मेरा नाम सोनालाल है, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री। बलात्कारी रहमान का पुतला दहन किया है तो यहाँ के जिला के जिला प्रशासन जो सुध नहीं ले रही है, अभी तक पीड़ित परिवार के घर नहीं गई है और उस पीड़ित परिवार का कोई अभी तक कोई पूछने वाला नहीं है। जो दो तीन अभियुक्त हैं उन लोगों को अभी तक गिरफ्तारी नहीं की गई है। हमारे प्रशासन द्वारा 24 घंटे का अल्टीमेटम उन्होंने दिया था कि हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अभी 4-5 दिन हो गई, अभी तक कोई कार्रवाई उन लोगों ने नहीं किया। महिला थाने में केस भी दर्ज किया गया है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। इसलिए हम लोग अगर इसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, सजा मुकर्रर नहीं की जाती है, तो हम लोग अपने संगठन के मुताबिक जो करना होगा करते रहेंगे और आगे आप लोगों को बताते हैं। मेरा नाम कमल किशोर पाठक हुआ, बजरंग दल के जिला संयोजक।